परशुराम जी के चार शक्तिशाली शिष्य, जिन्हें देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी नतमस्तक हो गए। पहले नंबर पर मौजूद शिष्य तो खुद देवता का ही अवतार हैं। आप देख रहे हैं अपना नॉलेज टीवी। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। रामायण और महाभारत ये दो धर्म गाथाएं हैं जिसमें भगवान विष्णु के ऐसे भयानक शक्तिशाली अवतार मौजूद हैं जिन्हें क्रोध दिलाने से स्वयं देवता भी कांप उठते थे, जिनकी शक्ति के समक्ष कई सारी अक्षौणीय सेना भी धरती में समा गई थी, जिन्होंने अपने पिता के खून का बदला 64 क्षत्रिय राजवंशियों को मार कर लिया था। और उनके इसी क्रोध को शांत करवाने के लिए खुद बजरंग बली ने उनसे कई महीनों तक युद्ध किया था। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के अवतार यानी भगवान परशुराम जी की, जिनकी शक्ति की कई गाथाएं आज भी जोश जगा देती है, जो 8 चिरंजीवियों में से एक और आज भी इस धरती पर विराजमान है। कहते हैं परशुराम जी बहुत ही क्रोधित स्वभाव के थे और अपने इसी क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने महादेव का यज्ञ करने की ठानी। साथ ही परशुराम जी ने अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने के लिए शिक्षा देने की ठानी। तब परशुराम जी ने 3 ऐसे शिष्यों को शिक्षा दी जिनको हराने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण को भी छल करना पड़ा। परशुराम जी के ऐसे दिग्विजय शिष्य जो बेहद ही शक्तिशाली थे और यदि शस्त्रों का ज्ञान था, यमराज का पाश हो या इंद्र का वज्र, इनको कोई भी अस्त्र नहीं काट सकता था। परशुराम जी के 3 महान शिष्य थे, लेकिन एक ऐसा भी शिष्य था जो भविष्य में जन्म लेगा, जिसका इंतजार खुद 8 चिरंजीवी कर रहे हैं। यहाँ तक कि परशुराम जी भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनको शिक्षा और दीक्षा दी जा सके। तो चलिए अब जानते हैं आखिर कौन है वो 4 शक्तिशाली शिष्य। पहले नंबर पर मौजूद हैं भीष्म पितामह, जो अपने भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने जब भी युद्ध के लिए शस्त्र उठाए तो सामने वाले की रूह कांप गई। राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र भीष्म, जिन्होंने आजीवन हस्तिनापुर को एक रक्षक के रूप में सहायता दी, जिन्होंने ना सिर्फ कंस जैसे योद्धा को हराया अपितु खुद अपने महान गुरु परशुराम जी से भी कई महीनों तक युद्ध किया जिसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। खुद परशुराम जी ने इन्हें असंख्य अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान दिया था। सिर्फ यही नहीं, कहते हैं भीष्म पितामह ने जब कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा, महामहिम भीष्म ने स्वयं सूर्य देव को ललकारा था। तब अर्जुन कहते हैं माधव आखिर कोई कैसे सूर्य देव को ललकार सकता है जिनसे पूरा का पूरा संसार प्रकाशमय हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो ऐसा कर सकते थे क्योंकि महामहिम की शक्ति उनसे भी ज्यादा दिखती। सिर्फ यही नहीं, उन्हें इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त था और कहते हैं कि पांडवों को उन्होंने ही अपने मृत्यु का रहस्य बताया था, जिसके चलते जल्द ही पांडवों ने उन्हें बाणों की संज्ञा पर लिटा दिया। और इस तरह महाभारत खत्म होने के उपरांत सूर्य उत्तरायण हुआ और भीष्म पितामह संसार को छोड़कर चले गए। अब बात करते हैं परशुराम जी के दूसरे शिष्य की, जो बेहद ही शक्तिशाली थे। वो कोई और नहीं बल्कि खुद पांडवों और कौरवों के गुरु यानी गुरु द्रोणाचार्य थे। कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पास इतनी शक्ति थी कि यदि वह अपने धनुष को छोड़कर युद्ध करते तब भी वह पांडवों की आदि सेना का विध्वंस कर सकते थे, वो भी सिर्फ अपने हाथों के बलबूतों पर। गुरु द्रोण भी कई सारे अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता थे। उनमें इतना बल था कि वो अकेले ही कई राज्यों को जीतने की क्षमता रखते थे। उन्हें भी गुरु परशुराम जी से कई सारे असंख्य अस्त्रों शस्त्रों की प्राप्ति हुई थी। द्रोणाचार्य ही दोनों तरफ की सेनाओं को ज्ञान देने वाले गुरु माने जाते हैं। इनके पास हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान था। इसमें नारायण अस्त्र, पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। वैसे तो युद्ध में द्रोणाचार्य को सीधे तौर पर पराजित नहीं किया जा सकता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और तब त्रष्टद्युम्न ने, जो कि स्वयं पांचाल देश के राजा द्रुपद के पुत्र थे, उन्होंने द्रोणाचार्य का वध कर दिया और द्रोणाचार्य छल से मारे गए। अन्यथा इन्हें मार पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। लेकिन अब बात करते हैं परशुराम जी के तीसरे शक्तिशाली शिष्य और सबसे प्रिय शिष्य की। वो कोई और नहीं बल्कि सूर्य पुत्र कर्ण थे। कर्ण ने भले ही परशुराम जी से झूठ बोलकर शिक्षा ली थी, लेकिन उन्हें परशुराम जी का सबसे प्रिय शिष्य माना जाता है। स्वयं अंगराज कर्ण लाखों अक्षौणीय सेना के बराबर थे, जिन्होंने इंद्रदेव को
अपने मात्र 3 बाणों से भयभीत कर दिया था। जिनके सम्मान से बड़ी उनकी दानवीरता थी, जिनसे समाज ने बालपन में ही घृणा करी, तब दुर्योधन ने उनके अस्त्रों का और उनके जीवन का सम्मान किया, जिस कारण कर्ण ने उनका त्याग नहीं किया और मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार किया। कर्ण में ही नहीं बल्कि उनके बाणों में भी इतनी शक्ति थी कि वो बजरंगबली के होते हुए भी अर्जुन के रथ को 3 उंगल पीछे खिसकाया करते थे, वो भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि असंख्य बार उन्होंने ऐसा किया था। अर्जुन का रथ जिसकी ध्वजा पर स्वयं बजरंगबली विराजमान थे और जिनके साथ ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, सिर्फ यही नहीं जिस जरासंध को मारने के लिए भीम को इतना समय लग रहा था, जिसे भीम ने खुद भगवान श्री कृष्ण की सहायता से मारा था, वो आसानी से कर्ण के हाथों मारा जाता। कर्ण ने कई बार जरासंध को परास्त भी किया था। कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसके बिना किसी आवश्यकता के जरासंध को परास्त करना उसके लिए बहुत ही मामूली सी बात थी। उन्हें मालूम था कि जरासंध की मृत्यु कैसे होगी, परंतु कर्ण ने मित्रता के कारण जरासंध को जीवित छोड़ दिया। कर्ण की तारीफ खुद भगवान श्री कृष्ण भी करते थे, वो जानते थे कि कर्ण बेहद ही शक्तिशाली हैं, उन्हें केवल और केवल छल की सहायता से ही मारा जा सकता है। कर्ण सूर्य देव के आशीर्वाद स्वरूप मिले कवच और कुंडल के साथ जन्मे थे, जिसे छल का सहारा लेकर खुद देवराज इंद्र ने निकलवा लिया। अगर युद्ध के समय वो कर्ण के साथ होते तो शायद कर्ण को हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि कर्ण के मृत्यु के पीछे एक श्राप था जो स्वयं उनके गुरु परशुराम जी ने उन्हें दिया था। जब उन्हें पता चला कि कर्ण ने झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है, तब उन्हें विद्या भूलने का श्राप खुद परशुराम जी ने दिया। सिर्फ यही नहीं, कर्ण ने परशुराम जी से कई सारे शक्तिशाली अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसे उन्होंने समय समय पर उपयोग भी किया, लेकिन अंत में वो अधर्म की राह पर चल पड़े, जिसकी वजह से उनका भी छल पूर्वक वध हुआ। अब बात करते हैं परशुराम जी के आखिरी और सबसे शक्तिशाली शिष्य की, जो खुद एक भगवान होंगे, जो स्वयं भगवान श्री विष्णु का 10वां अवतार होंगे। हम बात कर रहे हैं कल्कि अवतार की। श्रीमद् भागवत गीता में ये वर्णित है कि संबाल क्षेत्र में एक ब्राह्मण के घर कल्कि अवतार का जन्म होगा, जिनके गुरु कोई और नहीं बल्कि 8 चिरंजीवियों में से एक और इस धरती पर अभी भी मौजूद स्वयं गुरु परशुराम जी होंगे, जो उन्हें शिक्षा और दीक्षा देंगे और उन्हीं से उन्हें प्राप्त होंगे कई सारे असंख्य अस्त्र शस्त्र। कल्कि अवतार के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि कलयुग के अंत में स्वयं कली पुरुष राक्षस को मारने के लिए भगवान विष्णु 10वां अवतार लेंगे, जो कि कल्कि अवतार होगा और उनके गुरु स्वयं परशुराम जी होंगे। तो दोस्तों, यही थे परशुराम जी के वो 4 सबसे शक्तिशाली शिष्य। इनमें से आपका सबसे पसंदीदा शिष्य कौन है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु अपना नॉलेज टीवी।